हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीज किचन। आज हम कच्चे पपीते की सब्जी बनाएंगे, आलू दे के बनाएंगे। और ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है। इसे मैं कुकर में बना के दिखाऊंगी बहुत ही कम मिनट में। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कुकर को गर्म कर लिया था। कुकर गर्म हो जाने के बाद इसमें हम ऑयल दे देंगे, उसके बाद क्यूमिन सीड्स दे देंगे, दालचीनी, तेजपत्ता, लाल मिर्च और क्रश किया हुआ इलायची, ब्लैक पेपर दे देंगे। साथ ही हम दो कटे हुए प्याज भी दे देंगे। इन सबको मिक्स करके भून लेंगे। प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम क्रश किया हुआ जिंजर दे देंगे, अदरक जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया है। अब इसे स्टर कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर यूज करेंगे, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। मसाले को हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी सूख जाने तक हमें इसे लगातार चलाना है। पानी जब सूख जाएगा तब हम पपीता ऐड कर देंगे। पपीते को मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब पपीते को हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने जो 2 आलू लिए थे उन्हें भी हम ऐड कर देंगे। देखिए आलू का साइज मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि कुकर में ये मैं पका रही हूँ इसलिए आलू बहुत ज़्यादा गल ना जाए, इसीलिए। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ आलू और पपीते को भी हम थोड़ा भून लेंगे। ध्यान रखिए हमें फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 छोटे टमाटर लिए हैं। टमाटर देने के तुरंत बाद हम इसमें सॉल्ट दे देंगे। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार देना है। अब हम फिर से इन सब को स्टर कर लेंगे। टमाटर के बाद सॉल्ट देने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। इसे हमें अब 1 से 2 मिनट ढक के पकाना है। देखिए टमाटर लगभग पक चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं यहाँ पे 1 बाउल से थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने बहुत ही बेसिक मसालों का यूज़ किया है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 3 हरी मिर्च मैंने लिया है, बीच से कट कर लिया था। ग्रेवी थोड़ा बॉयल हो जाएगा तब इसको हम कुकर के लिड से ढक के 2 विसल आने तक कुक कर लेंगे। उसके बाद जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम स्पून के हेल्प से इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए कुकर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर को खोल लेंगे। कुकर में ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये सब्जी हेल्दी तो होती है, साथ ही टेस्टी भी लगती है। देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि सब्जी की कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं आ रही है तो आप इसे 2 मिनट के लिए फिर से बॉयल कर सकते हैं। अगर आप इसमें धनिया पत्ते दोगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।